सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया अभिरा और अरमान की संगीत सेरेमनी, जहां पूरी फैमिली का पंजाबी अंदाज देखने को मिला। वहीं मनीष जी भी अभिरा और अरमान के इस सगाई में एकदम अलग अंदाज में नजर आए। जी हां, मनीष जी भी अपने अनोखे अंदाज में नजर आए और फिर क्या होता है आप खुद देखिए। देखिए कैसे मनीष जी, विद्या और माधव ने अपना डांस वाला अंदाज दिखाया और दादीसा को भी डांस करने के लिए कहा, लेकिन दादीसा थोड़ी खफा नजर आई। ये ऐसे हो गया कि हम लोग अपने वेन्यू पर जा रहे थे, प्लस वहाँ पर अचानक से इतनी जोर से बारिश होने लगी बाहर कि विद्या को आइडिया आता है कि क्यों ना हम इस ढाबे के अंदर ही जाकर संगीत मना लेते हैं। और फिर हमने आकर देखा तो यहाँ पंजाबी सेटअप था पूरा, तो हम सब लोग पंजाबी कॉस्ट्यूम में, पंजाबी अटायर में तैयार हुए। एंड ऑल्सो हमको पता चला कि दादी साहब को भी बहुत अच्छी पंजाबी बोलनी आती है, तो पूरे माहौल में ही पंजाबी तड़का ही लग गया। और आज जितनी भी लेडीज यहाँ पर पंजाबी और आई एम श्योर अभी तो सबसे अच्छी लगी आपको, yeah. इसके नंबर कौन सबसे अच्छा लग रहा है? सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसा आपने बोला अबीरा तो ऑब्वियसली अरमान को सबसे अच्छी लगेगी, बट उसके अलावा इफ़ यू लुक एट दादी साहब, वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सारी लड़कियां, चाहे चारू हो, चारू तो पंजाब से ही है, तो जो मुझे अभी चारू तो पंजाब से कोई बात नहीं, इसका मन नहीं है तो मत बुलाओ ना, जा जा जा। देखो मेरा मन नहीं था, मुझे अरमान भैया ने बुलाया, वो मेरे को देख रहे हैं बैठे बैठे, तो वो नहीं दे सकते इंटरव्यू मेरे बिना, मुझे पता है अरमान भैया पंजाबी बोल के बता दो। और कितना फिर सारे देखो इसकी वजह से पंजाबी तड़का लगा है ना। ऑल्सो दादी साहब भी पंजाबी हैं, जो अपनी आप राजस्थानी अनिता जी, मैं राजस्थानी हूँ, लेकिन आज इस बार हमने पूरा तड़का चेंज कर दिया, इन दोनों की वजह से हमने इसको पूरा फंक्शन को पंजाबी बना दिया। मतलब कितने इंपॉर्टेंट है, हम देख सकते हो आप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने आप से आप पूछिए इससे कितने इंपॉर्टेंट है, इसको अगर दो मिनट पहले बुलाया जाए बोलती मुझे क्यों बुलाया मुझे मेरा शौक है। मैं ऐसे टेंट्रम्स शो नहीं करती गाइस, शो नहीं करती, बस वो अपने आप दिख जाते हैं, शो नहीं करती, नेचुरल है बहुत उसके लिए, कोई भी मजाक कर रहा हूँ, इसके करियर पे कोई असर नहीं पड़े, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा। गाना पंजाबी गाना तो इसको देखना चाहती है वो बताना, किससे कर रहे हैं वो बताना। देखो देखने करण औजला के ना बहुत सारे गाने हैं, जैसे एंटी डॉट इस पर करो, अरे तोबा तोबा है ना, तोबा तोबा तो उस पर थोड़ा सा कर दो, तोबा तोबा तोबा, तो मैं देखना चाहूंगी कैसा करेंगे ये दोनों डांस उस पर, है ना। तो डांसर तो है ही बहुत अच्छे हमारे अनवर में, यू कैन सी कितना, देखो मतलब मजाक कोई किसी के मुंह पे कैसे उड़ा सकता है। अब भाई बहन में कैसा मजाक, भाइयों बताओ कैसा मजाक, ये तो प्रेम है, ये तो प्रेम है। आपको जबरदस्ती खींच के लाया गया है? हां, जबरदस्ती तो नहीं खींच के लाया गया, इस फंक्शन की जो शुरुआत है वो अरमान ही करता है, और उसने अबीरा के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है सोलो परफॉर्मेंस, फिर अबीरा को ये लोग खींच के अरमान के सोलो परफॉर्मेंस के बीच में डाल देते हैं, एंड उसके बाद फिर हम लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं, एंड फिर इनके सॉन्ग में हमको पता नहीं होता कि हमें भी ये लोग बुलाएंगे, एंड वहाँ पर वो लोग खींच कर लेके जाते हैं, एंड वी जस्ट टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। तो जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए जो पंजाबी तड़का आया इस बार कितना भंगड़ा पाने वाले हैं वो लोग, ये जो पंजाबी तड़का रिश्ता में आया है, तो यार ऑन फायर ऑलवेज, आप तो जानते ही हो, तो जो पंजाबी जहां आ जाएं फायर, तो जहां पंजाबी आ जाते हैं वहां तो तड़का लगता ही लगता है, मिर्च डाल दो, सब कुछ डाल दो, फिर तो सब्जी बनी जाती है, बनी जाती है। एंड ऑल्सो मैं पिछले एक साल पहले मैं फॉर अ ईयर ऑलमोस्ट मैं पंजाब में ही था, तो आई लव पंजाब, मतलब वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ की जो खुशबू है, खुशबू वो मुझे बहुत क्या, वो मुझे खाना तो मैं क्योंकि मैं फूडी नहीं हूँ इसलिए खाने के बारे में तो इतना नहीं कह सकता, वो तो हम यहाँ भी खा लेते हैं, बट दैट लैंड सॉइल एंड जो वहाँ की खुशबू है वो अभी तक भी मेरे दिमाग और दिल से और नाक से गई नहीं है, सो आई लव पंजाब। हाँ ऑफकोर्स पंजाबी, वो पूरी पंजाबन लग रही है, पूरी छोटी मोटी बनाई है, कौन सा मुझे देखो अपना पठानी, पंजाबी पठानी, पंजाबी पठानी मैंने पहनी है,
सो इट्स नाइस फीलिंग पूरे राजस्थानी कल्चर से थोड़ा हटकर, जो कि हम लोग ये रिश्ता में करते ही रहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हमने हिमाचली कल्चर पे परफॉर्म किया था, सब लोग वैसे रेडी हुए थे, कभी बंगाली होते हैं, तो इट्स फन, इट्स फन, या सब एक है, रिश्ता में सब एक है, या तो हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। वेल, इसी के साथ सीरियल की कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा। जब सभी लोग डांस कर रहे होते हैं तभी अभिरा को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होता। पानी पीकर वो वहाँ से निकल जाती है और अरमान उसे आसपास ढूंढने लगता है।